नमस्कार, मैं आपका मित्र अर्पण कुमार। आज हम छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात देख रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जगदलपुर से कोई 40 किलोमीटर दूर चित्रकूट में इसे आप देख सकते हैं। यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है और जब आप इसके निकट इस झरने के समीप आते हैं तो चट्टान से गिरते पानी की ये बूंदें आपके शरीर पर भी कभी कभार आ पड़ती हैं। और न सिर्फ इन प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आपका मन शीतल होता है, बल्कि आपके तन पर पड़ने वाली ये फुहारें भी आपको शीतल कर देती हैं। नीचे आप देख रहे हैं, नाव से आप नौकायन का भी मज़ा ले सकते हैं। और इसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए इसका एक नज़ारा देखते चलें। मित्रों, यह चित्रकूट का जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ में बस्तर ज़िले में यह स्थित है और ऊपर चट्टान से आती ये लहरें और पानी का यह बहाव जब सीधे नीचे खाई में गिरता है तो एक अच्छी खासी ऊंचाई से गिरते इस झरने को देखना सचमुच ही एक रोमांचक क्षण है। और अभी ठीक मेरे सामने जब शाम की धूप इस पर पड़ रही है तो इन दो झरनों के बीच न दिखता सा एक इंद्रधनुष हमें दिख रहा है, जो शायद कैमरे में न दिखे मगर जब आप यहाँ साक्षात आएंगे तो आपको यह अवश्य दिखेगा। सुरक्षा के लिए इसमें कंटीले तार लगा दिए गए हैं ताकि आप ज़्यादा समीप न जा सकें। और सचमुच ही यह एक खूबसूरत नज़ारा है। कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपातों में से एक चित्रकूट का यह जलप्रपात हमें सदा ही याद रहेगा। और इतनी ऊंचाई से गिरते पानी की आवाज़ भी सुने, यह आवाज़ अपने तई कैसा संगीत रच रही है। तो इस केंद्र को छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में अभी और अधिक विकसित करने की ज़रूरत है। जगदलपुर से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उतनी अधिक नहीं है जितनी होनी चाहिए। जाने और लौटने की सुविधा थोड़ी बढ़ जाए तो पर्यटकों की संख्या यहाँ कुछ और अधिक देखने को मिल सकती है। तो आइए हम इस नज़ारे को और इस प्राकृतिक दृश्य को
अधिक से अधिक समीप कर आपको दिखा सकें। सुरक्षा की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की गई है, कुछ जवान अपने यूनिफॉर्म में हमें दिख रहे हैं। तो यह था चित्रकूट बस्तर का जलप्रपात। धन्यवाद।